गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वींसटाउन। हम पहुंच चुके हैं गिलनौर जी, और जो चीज सबसे ज्यादा फेमस है, साथ क्या मसला है, बेचारे भौंक रहे किसी ने इसको जैकेट पहना दिए, कॉटन कैंडी आ गई है और ये इतनी बड़ी। यहाँ पे जो है सब कुछ पड़ा होता है, इनके ये सारे बर्तन पड़े हुए होते हैं, प्लेट्स वगैरह, और ये कुछ मसाले भी पड़े हुए होते हैं जो कि यूज़ करें। यहाँ पे कुछ ये स्पून्स पड़े हुए होते हैं, और ये जी पकाने की कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, सब कुछ इनका पड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे जो है नाश्ता बना रही हूँ, चाय रखती है, अंडे बना दिए हैं मैंने, ये सारा कुछ यहाँ पड़ा होता है, मसाले वगैरह काली मिर्च नहीं थी तो ये मैंने लाल मिर्च यूज़ की है, और अंडे और ब्रेड हम लोग लेकर आए थे, बस ये भी हम लोग लेकर आए थे क्योंकि ये तो कॉफ़ी पीते हैं। वैसे इनकी पड़ी हुई है इसमें, ये पड़ी हुई है टी। हम लोग का बस नाश्ता रेडी है, नाश्ता करते हैं उसके बाद हम लोग भी रेडी होते हैं। चले जी, हम लोग का जो है नाश्ता रेडी हो गया है, हम लोग जो है इस व्यू के सामने जो हम लोग नाश्ता करते हैं। लोगों ने पग जो बेकरी थी वहाँ से हम लोगों ने क्रोसॉन्ट भी लिए थे, बड़ी टेस्ट होती है इनमें भी, बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता तो किया ब्रेड के साथ, लेकिन थोड़े थोड़े ये भी चाय के साथ ट्राई किए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वींसटाउन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल कुछ चीज़ें दिखाई थी, हम लोग क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक आए, और उसके बाद हम लोग जो है शाम को निकल गए थे, थोड़ा बहुत जो है वॉक की, आप लोगों को नाइट व्यू दिखाया। अभी जो है यहाँ पर सुबह हो चुकी है, हम लोग तकरीबन क्योंकि रात जल्दी सो गए थे 11 बजे तक, और मेरी जो आँख है वो 8 बजे खुल गई थी, उसके बाद जो है मैं भी फ्रेश हो गई, और अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं अरे कहना क्या चाहते हो, नाम पूछते हैं सरमत से, क्योंकि मैं भूल गई कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से जो है तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है, तो छोटा सा टाउन है। हम लोग जो है आज तीसरी दफ़ा आए, तो वहाँ हम लोग नहीं गए, तो सोच रहे इस दफ़ा हम लोग जो है मिल्फर्ड साउंड नहीं जा रहे, क्योंकि हम दो दफ़ा आए, दोनों दफ़ा मिल्फर्ड साउंड गए, और वो क्या तो जगह है, मतलब इंशाल्लाह ताला जब मैं चौथी बार आई और अगर उधर जाने का इरादा हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, या मेरे पास कुछ क्लिप्स होंगी तो मैं इस जो है वीडियो में ऐड कर दूँगी। वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, हम लोगों ने जन्नत के बारे सुना है ना, तो कुछ जो है ना झलक मुझे वो वहाँ पे जन्नत की नज़र आती है। तो खैर, अभी आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि आज जो है थोड़ा सनी डे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है थोड़ा सनी है, रात तो वरना शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मुझे लग रहा था हम लोग जैसे विंटर में आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है थोड़ा सनी है, आप देख रहे हैं धूप निकल आ गई है, और मेरे पीछे जो है व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो खैर अभी निकलते हैं, चले जी हम जो है अभी निकलते हैं गिलनौर जी के लिए, और जो कि क्वींसटाउन से वहाँ तक जो है 40 मिनट की ड्राइव है, तो बस अभी वहाँ निकलते हैं और पहुँचते हैं। हम पहुंच चुके हैं गिलनौर जी, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ये वाला, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं पिक्चर्स बनवाते हैं, और वैसे व्यू भी बहुत ही प्यारा है। अभी जाते हैं हम लोग आगे, बहुत ही छोटा टाउन और बहुत ही प्यारा टाउन है, लेकिन जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी आप लोगों को जो है पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी, कोई भी इस टाउन आएगा तो वो जो है यहाँ पर ज़रूर पिक्चर बनवाता है। ये देखें कितना छोटा सा प्यारा सा टाउन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी रश हो गई है इस जगह, ये सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे पिक्चर्स बनवाने के लिए। और ये जो है बोट शेड के पीछे का व्यू है, और क्या तो व्यू है, वाह 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 वाह, मतलब बहुत ही मज़े का व्यू था, और देख के इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं आपको।
न्यूजीलैंड जो है सारा ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब हम जहाँ पे भी जाते हैं, हालांकि काफ़ी जगहें देखी हुई होती हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती हैं। और मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, मतलब इतना ज़बरदस्त व्यू हो और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये व्यू तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन ये जो जगह है बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं थी। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट रुके होंगे। मैंने थोड़ी क्लिप्स ली और जो है सरमद ने कुछ फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि मरियम ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया। मतलब वो बार बार जो है साइड्स में जा रही थी, कॉर्नर्स में जा रही थी, तो बस हम लोग उसको कितना रोकेंगे। तो हमें ये था कि गिर ना जाए, और गिर गई तो पानी भी थोड़ा डीप था, इतना भी नहीं है कि कम है। तो बस हम लोग यहाँ से जो है चले आए, और आप लोगों के लिए जो है मैं क्लिप्स रिकॉर्ड की ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। चलिए, हम लोग ने जो है यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स भी बनवाई हैं, और देखते हैं कैसी आई हैं। काफ़ी रश है क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स बनवा रहे हैं। तो बस हम लोग ने भी कुछ बनवाई हैं, कोशिश की है काफ़ी, अब देखते हैं कैसी आई हैं। और क्लिप्स तो आप लोगों ने देख ली कि कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बाकी यहाँ पे आना चाहिए, मतलब एक दफ़ा अगर आप लोग क्वींसटाउन आ रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आए, क्योंकि पीछे व्यू भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। Hi guys, I broke a stick. And it's not working. Now it broke. Bye. Hey guys, welcome back to Zainab Activities. ये भगवान क्या जुलूम है? यहाँ पे जो है घोड़े भी चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। जो है बैठ चुके हैं कार में और अभी निकल रहे हैं क्वींसटाउन के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे क्वींसटाउन फिर दोबारा से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आज सनी डे है तो बहुत मज़ा आएगा घूमने में, वरना सर्दी में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस अभी जाते हैं क्वींसटाउन और पहुँचते हैं वहाँ। क्वींसटाउन और ग्लेनॉर्ची के बीच में एक पॉइंट थी जहाँ पे जो है लोग सारे ऊपर जा रहे थे, तो सरमद ने कहा हम लोग भी देख के आते हैं। मैंने पूछा क्या शूज़ खराब किए, ओ मरियम गिर गई है और उसका शूज़ थोड़ा ख़राब हो गया है, वो थोड़ा दुखी फील कर रही है। और हम लोग ऊपर आए तो व्यू क्या था जो कि मैंने आपको दिखाया, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था जिसके लिए हम गाड़ी रोक के जो है ऊपर देखने के लिए आए। हम जो है वापस क्वींसटाउन पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है तो यह है कि ठंड नहीं लगेगी, इजीली हम लोग घूम फिर सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं बच्चों को पार्क लेकर, क्योंकि वो कब से जैनब कह रही है कि मैंने पार्क जाना है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, तो अभी वहाँ जाते हैं। वहाँ यहाँ से हम लोग जाएंगे। जो है आज एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये बोर्ड्स पड़ी हुई हैं, और ये देखें ये नई चीज़ मैंने देखी है, ये पड़े हुए हैं। यहाँ से हाय करें और आप लोग जाके इंजॉय करके आए। वो सामने आ रही है, वो इस तरह चलेगी, और ये की व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। सामने सारे जो है एकोमोडेशन है, और इस तरह से पहाड़, फिर ये लेक। सामने पहाड़ पे जो है बर्फ़ पड़ती है विंटर में, इस वजह से ये जो पहाड़ है काले हैं। जो है जाते हैं, जैनब और बच्चे पार्क चले गए हैं, वो झूले खा रहे हैं, और मैं भी बस उनको ज्वाइन करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे किस
किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। ये है बच्चों का पार्क, काफी झूले लगे हुए हैं। जैनब की आवाज मुझे आ रही है ऊपर से, ऊपर जो स्लाइड लगी हुई है वहां से उसकी आवाज आ रही है, तो वो दोनों वहां पे हैं। अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ, बच्चों के काम है या बड़ों के काम है देख लें। यहाँ पे देखें किसी ने इसको जैकेट पहना दी है। सामने से जो एक बड़ी शिप आ रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। वीडियो में बात कर रही थी कि ये लोगों को लेकर जाती है, फिर यहाँ पे लंच या डिनर प्रोवाइड करते हैं, घुमाते भी हैं और लंच भी करवाते हैं। तो ये वही बोट है जो कि अभी वापस आई है। क्यों था मरियम? अगर हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ आगे से जाएंगे तो फिर आगे जो है पूरा गार्डन है, क्वींसटाउन गार्डन है। वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्लावर्स लगे हुए हैं, खूबसूरत है। लेकिन अब वो दिखा के आप लोगों को क्या करना है, मैं भी वहाँ नहीं जा रही। चीटिंग करता है तू। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो इस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था, लेकिन इसका व्यू इतना अच्छा नहीं था क्योंकि हम लोग को जो है रूम दूसरी साइड मिला था, तो उसका व्यू इतना अच्छा नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ना जो इस वाले फ्रंट वाले रूम में स्टे करेंगे तो उनको जो है ये जबरदस्त व्यू नजर आएगा। क्या हुआ है इनके साथ, क्या मसला है, बेचारे भौंक रहे। चले हम लोग जी आ गए हैं तुर्किश कबाब के पास आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को खाने के बड़े मसले होते हैं। हम लोग जो है हर चीज़ इजीली नहीं खा सकते, तो कहीं पे हलाल का चक्कर होता है, कहीं पे कुछ हम लोगों की चीज़ें वो जो हम लोग खाते हैं वो नहीं मिलती। तो अभी हम लोग को तुर्किश कबाब नज़र आ गया है, तो हम लोग जी काफ़ी घूम के आए, बच्चों को झूले वगैरह भी खिलाए, वो उन्होंने झूले भी खाए, इंजॉय किया। और अभी जो है हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी जो है हम लोग तुर्किश कबाब के पास खड़े हैं और वो खा रहे हैं, और बच्चों को भी भूख लगी है, बड़ों को भी भूख लगी है, तो बस अभी वो खाते हैं। कबाब और राइस आ गया है और हम लोग अभी इसको खाते हैं। हम लोग की जी पेट पूजा हो गई है, हम लोग ने थोड़ा बहुत खा लिया है और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया। लेकिन हम लोग जो क्राइस्ट चर्च में खाते हैं राइस और कबाब वो ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे इतना मज़े का नहीं है। तो यहाँ पे जो है खाने के हमारे लिए बड़े इशू होते हैं, तो हम लोग ईजिली हर चीज़ नहीं खा सकते। खैर फिर भी थोड़ी बहुत पेट पूजा हो गई है। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जैनब को नज़र आ गई कॉटन कैंडी आ गई है। और ये इतनी बड़ी, कौन खाएगा इतनी बड़ी। अब चले जी ये व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं बाद में, और आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।